हेलो, दिस इज सादिक सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जैम स्कूल फॉर इंग्लिश ग्रामर। आज के वीडियो के अंदर हम एक नया कंटेंट लेकर आए हैं और वो कंटेंट का नाम है नाउंस। नाउंस का मतलब होता है किसी को नाम देना। नाउन का मतलब होता है किसी को नाम देना। हम किसी चीज के नाम देते हैं, राइट, उसको हम नाउन कहते हैं। अब जो नाउन है वो दो टाइप के हैं, एक है प्रॉपर नाउन और दूसरा है कॉमन नाउन। वैसे नाउन्स छह टाइप के टोटल है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे, दो प्रकार का डिस्कस आज करेंगे, दो टाइप के नाउन्स के आज डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसमें एक प्रॉपर नाउन है और एक कॉमन नाउन है। अब हम प्रॉपर नाउन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड कॉमन नाउन्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो किसी चीज को नाम देना, जैसे मैंने कहा कि भाई किसी चीज को हम नाम देते हैं, मतलब कि ये एक लिखने वाली चीज है, तो लेकिन हम इसको ऐसा नहीं कहते कि भाई ये लिखने वाली चीज है, ये एक चीज है, ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम उसको इसको एक नाम दिया है मार्कर पेन। ये एक लिखने की जगह है, हम लिखने की जगह नहीं कहते हैं, अब उसको हम नाम दिया है व्हाइट बोर्ड। हम जहां पर रहते हैं उसका नाम है घर, हम घर में रहते हैं तो घर एक नाम दिया है, रहने की जगह है लेकिन उसको नाम दिया है घर। तो जो नाम देते हैं, जिस चीज को हम नाम देते हैं उसी को कहते हैं नाउंस, उसी को कहते हैं नाउंस। अब नाउन के जो दो प्रकार आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो प्रकार जो टाइप है वो प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। हम प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे, तो प्रॉपर नाउन कहेंगे हम नेम्स ऑफ द पर्सन, नेम्स ऑफ द पर्सन को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे कि भी एक पर्सन तो व्यक्ति हुआ, तो वो व्यक्ति का नाम होगा, जैसे भी मैं एक पर्सन हूं तो मेरा नाम है सादिक सर, एक नाम है। वैसे कोई लड़का है कोई लड़की है तो हम उसको लड़का लड़की से नहीं बुलाते, उसके नाम से बुलाते हैं। तो जो लड़का लड़की का नाम है तो उसको हम नाम से बुलाते हैं, वो जो नाम है लड़का लड़की का नाम वो हुआ पर्सन्स नेम्स। दूसरा है, दूसरा प्रॉपर नाउन में आता है नेम्स ऑफ प्लेसेस, नेम्स ऑफ प्लेसेस। जो नेम्स ऑफ प्लेसेस होते हैं वो किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब प्लेसेस का मतलब जगह, अब हम बड़ौदा में रह रहे हैं तो बड़ौदा एक प्रॉपर नाउन हुआ, बड़ौदा कौन हुआ, प्रॉपर नाउन, कि बड़ौदा एक रहने की जगह है, जो हम रहने की जगह को हम क्या कहेंगे, प्लेसेस कहेंगे। तो जो जो प्लेसेस है, प्लेसेस का जो नाम होगा वो आएगा प्रॉपर नाउन में। तो बड़ौदा मेरा कंट्री का नाम है इंडिया, तो इंडिया एक प्लेस है, तो जो इंडिया जो नाम आया, एक प्लेस का नाम आया, तो जो प्लेस के नाम होंगे वो सारे आ जाएंगे प्रॉपर नाउन्स में आ जाएंगे। अब कॉमन नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमन नाउन नेम्स ऑफ थिंग्स, नेम्स ऑफ थिंग्स, नेम्स ऑफ थिंग्स, जो नेम्स ऑफ थिंग्स है वो किसमें आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे। सो नेम्स ऑफ थिंग्स किसमें आएंगे, नेम्स ऑफ थिंग्स, नेम्स ऑफ थिंग्स किसमें आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे। अब थिंग्स मतलब चीज, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट का नाम है मार्कर पेन, तो ये मार्कर पेन हो गया, ये ब्लेजर है, शर्ट, राइट, बोर्ड, पेंसिल, पेन, रबर, डस्टर, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, राइट। तो ये जो है ये हमारे कॉमन नाउन आएंगे। अब नेम्स ऑफ थिंग्स, नेम्स ऑफ एनिमल्स, नेम्स ऑफ एनिमल्स, प्राणियों के नाम जो होंगे, बराबर, टाइगर, काउ, डॉग, कैट, ये किसमें आएंगे, ये हमारे कॉमन नाउन होंगे। दूसरा है नेम्स ऑफ बर्ड्स, पैरट्स, पिकॉक, स्पैरो, जो बर्ड्स के नाम है वो सब हमारे कॉमन नाउन में, यानी कि समुंदर में रहने वाले सारे जो हमारे लिविंग
जो है वो सारे कॉमन नाउन में आएंगे, बराबर। जमीन पर रहने वाले सारे लिविंग्स है वो सारे कॉमन नाउन में आएंगे। अच्छा, अब पहचानेंगे कैसे? तो देखो, इसको पहचानने की एक ट्रिक है, मैं आपको एक ट्रिक समझा रहा हूं कि मैं यहां पर एक लिखता हूं सेंटेंस कि भाई आई लिव इन, आई लिव इन बड़ौदा। मैंने यहां पे लिखा बड़ौदा, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि बड़ौदा इज अ नाइस सिटी, बड़ौदा इज अ नाइस सिटी। मैंने यहां पे लिखा है, देखो यहां पे बड़ौदा जो आया ये भी एक नाउन है, बड़ौदा एक नाउन है, सिटी एक नाउन है, राइट। ये तीनों नाउन है, ये तीनों नाउन है। अब मैंने यहां पे लिखा कि भाई मैं बड़ौदा में रहता हूं, तो बड़ौदा का बी कौन है? कैपिटल है, राइट। चलो, ये सेंटेंस की शुरुआत है? नहीं, ये सेंटेंस की शुरुआत नहीं है, सेंटेंस के बीच में है, मतलब सेंटेंस के शुरुआत में तो आई है, तो यहां पे कैपिटल आया। तो ये जो कैपिटल इसलिए आया कि ये प्रॉपर नाउन है, इसके लिए नेम्स ऑफ द प्लेसेस में आया। अच्छा, अब यहां पे जो कैपिटल आया वो इसका रीजन है तो प्रॉपर ही, लेकिन ये इसका रीजन, कैपिटल होने का रीजन ये है कि सेंटेंस की शुरुआत है, तो सेंटेंस की शुरुआत में तो हम सारे लेटर्स कैपिटल में लिखते हैं। अब मैं दूसरा एक लेता हूं, देखो ये सिटी है, सिटी भी नाउन है, तो इसका सी जो है वो स्मॉल है, तो जो कॉमन नाउन होंगे ना उसका फर्स्ट लेटर बीच में सेंटेंस में आएगा तो वो स्मॉल हो जाएगा। अब मैं लिखूं यहां पे, मैं सिटी शुरुआत में लिखता हूं, सिटी इज अ नाइस प्लेस टू लिव, शहर एक रहने के लिए अच्छी जगह है, तो यहां पे सी कैपिटल आया। क्यों आया? क्योंकि ये सेंटेंस की शुरुआत है, तो सेंटेंस की शुरुआत में तो कैपिटल आएगा, लेकिन अगर वो नाउन बीच में है और कैपिटल आता है तो प्रॉपर, अगर स्मॉल लेटर में आता है तो कॉमन। चलो, अब मैं एक सेंटेंस लेता हूं, दूसरा एक सेंटेंस लेता हूं, दिस इज अ रिवर, मैंने ये लिखा रिवर, तो यहां पर रिवर का आर कौन है? स्मॉल लेटर है, तो कौन हो गया? कॉमन। लेकिन मैं यहां लिखता हूं दिस इज द नर्मदा रिवर, मैंने यहां लिखा नर्मदा रिवर, तो मैंने यहां पे दो नाउन यूज किए, एक रिवर भी नाउन है और एक नर्मदा भी नाउन है। तो देखो, रिवर का आर कौन है? स्मॉल, तो स्मॉल नाउन है लेकिन आर स्मॉल है, तो ये किस में जाएगा? कॉमन नाउन में जाएगा। लेकिन नर्मदा जो है वो भी एक नाउन है, लेकिन इसका लेटर कौन है? कैपिटल है, राइट। तो कैपिटल लेटर वाला आया, तो ये नर्मदा एक नेम ऑफ पर्सन हुआ, हमने नदी को एक स्पेसिफिक नाम दिया, राइट। यहां पे हम नदियों को भी नाम देते हैं, वैसे हर जगह नदी होती है लेकिन वो नदी का एक स्पेसिफिक नाम होता है, तो जब हम वो जो नाउन जो होता है, जो चीजों के नाम, उसको स्पेसिफिक नाम देंगे, जो रिवर है वो तो कॉमन नाउन है लेकिन उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया नर्मदा, तो फिर ये नर्मदा क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो में नाउन्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के दो प्रकार डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और अपने फैमिली रिलेटिव्स में सेंड करना ना भूले, और कॉर्पोरेट सपोर्ट आपका हमेशा हमारे साथ बने रहे ऐसी दुआ करता हूँ।